मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है काल। काल मतलब समय और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम काल पढ़ने वाले। काल का अर्थ क्या होता है, समय। ओके, काल को इंग्लिश में टेंस भी बोलते हैं। भाई कौन सा काम कब समय किस समय होता है उसके बारे में हम काल से पता चलता है। देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं काल की परिभाषा। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केटर दिए थे। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद ले रही है। अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा कहीं बाहर ले जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया अलग अलग समय पर हो रही है। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहते हैं। देखो बच्चों, मुझे दिया था। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं खाना खा चुका हूँ को लिया जा सकता है। इस वाक्य में करता है खाना, क्रिया है एम चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ और मैं खाना खाऊँगा। इन तीनों ही वाक्य में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने के समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहाँ पर क्रिया को तीनों कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के तीन भेद होते हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। देखो बच्चों, ये काल के तीन प्रकार बताए गए हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। भूतकाल का अर्थ क्या होता है, देखो हम भूतकाल के बारे में सब पढ़ते हैं। भूतकाल दो शब्दों के मेल से बना है। भूत का अर्थ होता है बीत गया और काल को कहा जाता है समय, अर्थात जो समय बीत गया। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय में भूत क्रिया का होना पाया जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि से होती है। भूतकाल का कार्य कैसा, काम खत्म हो गया था, मेरा काम पूरा हो गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पीछे क्या था, थे, थी आदि है। रमेश पटना गया था, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, राम ने रावण का वध किया था, ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। फिर है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, मतलब काम चालू है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले उसे क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते है आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, ये सब वर्तमान काल कहलाते हैं। वर्तमान काल के बच्चों छह भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, सद्गिंद वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। पर ये हम इसकी डिटेल आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिर है भविष्य काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरे होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा, गेगी आदि आते हैं वे भविष्य, दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मतलब अब जाएगा। खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा, तो ये भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के भेद सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और
हेतु हेतु मध्य विश्वेप। तो बच्चों आज हमने काल पढ़े, काल के समय के कितने प्रकार होते हैं, समय वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो चाहे वीडियो देखना और समझना, ओके, और अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।